अतिवृष्टि हुई है, जल प्लावन हुआ है और बादल फटे हैं, घोर प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है और जिसके कारण से वहां का पानी हमारे उत्तर प्रदेश में सारदा के माध्यम से और घाघरा के माध्यम से पीलीभीत जिला लखीमपुर सीतापुर को प्रभावित करता हुआ बहराइच बाराबंकी गोड्डा अयोध्या होकर के आगे की तरफ बढ़ा है। 1931 में बनबसा बैराज बना था जो हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। अब तक के इतिहास में 90 वर्षों में एक साथ कभी भी इतना पानी नहीं आया। 5,47,000 क्यूसिक पानी बनबसा से छोड़ा गया, 4,91,000 क्यूसिक पानी घाघरा से छोड़ा गया। दोनों नदियों में इतना पानी आने के कारण से ये नदियां आकर के सीतापुर में मिलती है और वहां से आगे जो सरयू के रूप में आगे बढ़ती है हमारी नदी, कुल मिलाकर के हमारे बहराइच के अंदर 7,00,000 क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ। 7,00,000 हमारे जो घाघरा सरयू जिसको हम कहते हैं उसकी जो क्षमता है वो मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख क्यूसिक का है। जस्ट जबुल पानी सरयू के अंदर आया जिसके कारण से सभी जिलों को प्रभावित किया है और उसमें हमारा बहराइच जिला भी, बहराइच जिले की 3 तहसीलें मुख्य रूप से प्रभावित हुई और इन 3 तहसीलों में अभी जो आकलन मोटा मोटा किया गया है लगभग 125-30 गांव से प्रभावित हुए हैं और इन 125-30 जो गांव प्रभावित हुए हैं, अभी मैं जब हवाई सर्वे कर रहा था तो बहुत सारे गांवों को हमने ऊपर से देखा, कुछ गांव टापू बन गए हैं, चारों तरफ से पानी है। लेकिन कुछ गांव में अच्छी बात यह है कि पानी तो चारों तरफ से आया लेकिन गांव के अंदर पानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके गांव के अंदर भी पानी है, लोगों के घरों में भी पानी है। ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या उससे प्रभावित हुई है, लगभग 1,20,000 की पॉपुलेशन जो यहाँ की प्रभावित हुई है तीनों तहसीलों की। और देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश के जो जिले हमारे कुल 14 जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं इससे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिले प्रभावित हैं उसमें हमारा पीलीभीत है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हमारा बाराबंकी है, बहराइच है, गोड्डा है, अयोध्या का कुछ पार्ट है और इसके आगे बलिया में थोड़ा बहुत भी प्रभाव का क्षेत्र पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उधर के क्षेत्रों में ठीक स्मूथ स्थिति आ रही है। लेकिन इधर के जो है ये बेल्ट हमारी ज्यादा प्रभावित, जनहानि सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है? देखिए जनहानि हमारे लखीमपुर में अभी तक 4 जनहानि हुई, पीलीभीत में कोई जनहानि हुई नहीं है। वो भी लखीमपुर में जो जनहानि हुई वो नाव से लोगों के आपस में एक नाव पुल से टकराने के कारण से नाव उलट गई थी, उसमें से हम लोगों ने और भारतीय वायुसेना के विमान ने लोगों को रेस्क्यू किया, बचाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नहीं बचा पाए, ऐसे 4 लोगों की जनहानि हुई है। हमारे बहराइच में 2 बच्चों की हमने बताया, पीलीभीत में कोई जनहानि नहीं, सीतापुर में कोई जनहानि नहीं है। तो इस तरीके से जनहानि भी कोई ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। बंधे सब सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है और पूरी तरीके से इतना पानी आने के बावजूद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बंधों पर लगे हुए हैं और हम लोग भी उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर पल की मॉनिटरिंग।